प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और न केवल पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या भी मैं आपको बताऊं। तो पठन और व्याख्या दोनों ही होगा तीसरे पाठ। मेरी गाय जो है वह एक विदूषक की कहानी है और ये बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में थे। विदूषक होता कौन है? जो राजा के सामने दरबार में हंसी मजाक करे। और क्यों? क्योंकि जो राजा महाराजा अपने जो बहुत व्यस्त रहते थे, बड़ी चिंता में रहते थे, उनके जो दरबार का जो माहौल होता था, वातावरण होता था, बहुत कभी कभी गंभीर हो जाता था। तो ऐसे में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दरबार में रहना चाहिए जो कम से कम लोगों को हंसा सके, ताकि लोग गंभीर विषयों से हटके कभी कभी शांत भी हो जाएं। तो विदूषक रखे जाते थे दरबार में ताकि वे हंसी मजाक कर सकें, लोगों को, दरबारियों को, राजा को, सेनापति को, जो गंभीर विषयों से कभी कभी आज़ादी दिला सकें। तो इस कहानी में, और जैसे कि हम लोग जानते हैं, बीरबल और तेनाली राम, मुल्ला नसीरुद्दीन, ये जब भी क्या करते थे, ये भी विदूषक थे। ये लोगों को अपनी चतुराई से, अपनी हाजिर जवाबी से लोगों को दंग कर देते थे। लोग इनसे दंग रह जाते थे, इनके जो कारनामे सुनकर। तो राजा भी ऐसे लोगों को बहुत पसंद किया करते थे। तो ये कहानी है एक विदूषक की ही है। तो कैसे वो अपनी पत्नी के कहने पर एक गाय लेके आते हैं तथा लोगों को उन्होंने क्यों दंग किया, हम इसको आज सुनते हैं। तो बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। तो गोनू झा के नाम से एक विदूषक थे। विदूषक का काम मैंने बताया, दरबार में हंसी मजाक करना, और या फिर इनके लिए हम बोल सकते हैं भांड एक शब्द होता है, जो मनोरंजन करता है। तो ये कलाकार में ही आते हैं। आजकल के जैसे कलाकार जो होते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो ये भी दरबारी, राजा, सेनापति, दरबार में जो दरबारी होते थे, उनका मनोरंजन करने के लिए रखे गए थे। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। तो ये बहुत समझदार थे, ये हंसमुख थे। हंसमुख का यहाँ पे अर्थ है जो प्रसन्न रहे, क्योंकि जो अगर विदूषक प्रसन्न नहीं, ही खुद नहीं रहेगा, खुद दुखी रहेगा, तो लोगों को क्या हंसाएगा। तो यही हमने देखा। फिर गोनू झा बड़े समझदार हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। जब भी वो हंसने की बात करते थे तो बड़ा तर्कपूर्ण होता था। तर्कपूर्ण मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती का हंसे, किसी तर्क, जैसे कि हमने बीरबल में देखा है, बीरबल की कहानियों में हमने देखा है, मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी में हमने देखा है, तेनाली रामा की कहानी में हमने देखा है, उनकी जो हंसी या मजाक होता था किसी तर्क के साथ होता था, ताकि लोगों को लगे कि केवल ये मजाक नहीं किया जा रहा है, अपने संदेश भी उस तर्क में दे दिया करते थे। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचन। तो विदूषक थे, इनका एक पेशा होता है कि कौन सा व्यवसाय किया जाए। तो ये लोग कथा वाचन करते थे। कथा वाचन इसमें कि रामायण या महाभारत की कथा को दरबार में या लोगों के सामने गा करके प्रस्तुत करना। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव पड़ा। मैंने बताया आप कि वे रामायण या महाभारत या गीता, ऐसी ही किताबों के संवाद लोगों को कहानी के रूप में बताया करते थे। इस कारण से उनके विचारों में श्रद्धा का भाव था, भक्ति का भाव था, और शायद ये पारिवारिक पेशा होने के कारण उन्हें ये बचपन से ही मिला था। गोनू झा के किस्से बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। आज भी मिथिला बिहार का एक राज्य है, उस क्षेत्र में आज भी इनके किस्से घर घर में कहानी के रूप में सुनाए जाते हैं।
तो फिर आगे चलते हैं। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई, तो गोनू झा की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि क्यों ना हम भी गाय पाल लें। उन्होंने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा। तो पत्नी थी उन्होंने कहा कि सारे लोग गाय पालते हैं, अगर हम लोग गाय पाल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो इसके लिए आपको एक गाय लानी होगी। गोनू झा कई दिन तक बात को टालते रहे, वे कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते, गाय खरीदने की क्या जल्दी है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं। तो उन्होंने बहाने लगाए, वे नहीं चाहते थे, शायद उनके पास पैसे कम थे, तो वे तो सबसे पहले अपनी पत्नी की बात टालते गए। उन्होंने कहा खरीदने की क्या ज़रूरत है, महाराज जो हैं वे हमें गाय उपहार में दे देंगे, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वह विदूषकों को खुश करने के लिए धन दिया करते थे, कुछ भेंट में जैसे कोई जानवर गाय दे दिया। तो ये बात गोनू झा ने अपनी पत्नी को बताया कि हम खरीद के क्यों पैसे कब खर्च करें जब हमें गाय ही मिल जाएगी, ताकि उसकी पत्नी इंतज़ार करे, क्योंकि महाराज तो कभी भी गाय दे सकते थे। तो उनके टालने का एक तरीका था कि अगर हम अभी पैसे खर्च कर देंगे तो महाराज शायद हमें गाय ना दें, तो हमें गाय खरीदने के लिए अभी पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, क्योंकि ये उपहार में अगर गाय हमें मिल जाती है तो तभी भी हमारे पैसे बच सकते हैं, तो कुछ दिन में देने वाले हैं, क्योंकि महाराज मेरे से काफ़ी खुश रहते हैं, और अगर उन्हें कहीं से पता चल गया कि मुझे गाय की ज़रूरत है या तुम्हें गाय की ज़रूरत है तो वो गाय हमें उपहार में ही दे देंगे। कभी कहते हैं गोनू झा, कभी कहते हैं तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी, तो कभी कहते थे तुम्हें तो गाय पालना भी नहीं आता, गाय लेके क्या करोगे। गाय उसे ही पालना चाहिए जिसको कि गाय के बारे में पता हो, कैसे खिलाया जाता है, कैसी देखभाल की जाती है। तुम्हें तो कोई अनुभव है नहीं, क्योंकि तो तुमने कभी गाय तो पाला नहीं है। फिर क्या हुआ, तो तुम गाय कैसे रखोगी। तो एक तरह का ये भी बहाना था, उन्होंने पत्नी को समझाया कि गाय तो अनुभव वाले व्यक्ति को ही पालना चाहिए, तभी गाय की ढंग से सेवा हो पाएगी, नहीं तो शायद गाय बीमार हो जाए, तुम्हें अनुभव नहीं है। तो कभी कहते तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। तो गोनू झा कभी कभी अपनी पत्नी को ये भी कहा करते थे तुम हमेशा गाय गाय लाने की क्यों बात करती हो, हम लोग ब्राह्मण हैं, तुम भी ब्राह्मण हो तो क्या करेंगे, हम लोगों का पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम लोग पूजा पाठ करें, गाय पालना हमारा काम नहीं है, इस कारण से तुम गाय लाने की, गाय खरीदने की या गाय खरीदवाने की जिद मत करो। तो ये किसके बहाने थे, गोनू झा के। ये बहाने उसने क्यों किए थे, क्योंकि शायद उसके पास पैसे की कमी हो या फिर वो गाय नहीं खरीदना चाहता, लेकिन उनकी पत्नी रोज रोज उसे टोकती थी कि आपको गाय खरीद लेना चाहिए, हमें मुझे भी गाय पालने की इच्छा है, शायद उसके अड़ोस पड़ोस में भी लोगों के घर में गाय हो, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ये गोनू झा टालते गए ताकि उनकी पत्नी को भरोसा हो कि गाय तो हमें आ जाएगी, जैसे कि महाराज दे देंगे, महाराज उपहार में देते हैं तो महाराज एक गाय दे देंगे, तो हम लोग क्यों पैसे खर्च करें। अब टालने का क्यों अच्छा तरीका था, क्योंकि महाराज कब देने वाले हैं वो तो पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जल्द ही कुछ दिनों में दे देंगे, ताकि उनकी पत्नी कुछ दिन तक न बोले। तो ऐसे ऐसे करके टालते गए, कभी वे बोलते थे कि तुम्हें तो अनुभव नहीं है, गाय आएगी तो शायद बीमार हो जाएगी, क्योंकि तुमने कभी गाय पाला नहीं है। उसके बाद ये भी कहा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा तो गाय पालने का काम ही नहीं है, तुम्हारा काम है पूरा ध्यान पूजा पाठ में लगाना चाहिए, गाय पालने में नहीं लगाना चाहिए ध्यान, किसमें, पूजा पाठ में। तो ये गोनू झा का हम कहेंगे तर्क था अपनी पत्नी को शांत करने के लिए। तो इसमें नया एक शब्द है नरेश, मिथिला नरेश, नरेश का मतलब होता है राजा।
एक नया शब्द आया है नरेश। मिथिला नरेश, मिथिला जगह का नाम है। अरे मिथिला, अरे नरेश, नरेश, नरेश का अर्थ होता है राजा, और मिथिला नरेश मतलब मिथिला का राजा। मिथिला जगह का नाम है, वहां के राजा के दरबार में विदूषक, मैंने बताया विदूषक क्या बोलते हैं, जो लोगों को बातचीत करके लोगों को हंसाने वाला। तो ये बीरबल की तरह, तेनाली रामा की तरह, मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह, ये अपने क्षेत्र के विदूषक थे। लोगों को हंसाते थे तर्कपूर्ण बातों से। तो विदूषक भी एक नया शब्द है, इसको भी लिखना चाहिए हमें। विदूषक, बातचीत करके दूसरों को हंसाने वाला, बातचीत करके दूसरों को हंसाने वाला, दूसरों को हंसाने वाला, या फिर भाण। विदूषक को भाण भी कहा जाता है। हंसी मजाक करते हैं दरबार में। हंसी मजाक क्यों किया करते थे, कारण मैंने आपको बताया, राजा गंभीर विषयों में उलझा रहता था, तो उनको खुश करने के लिए विदूषक रखे जाते थे। ये काफ़ी चालाक होते थे, तर्कपूर्ण बात किया करते थे, और दरबार का जो माहौल था उसे अधिक गंभीर नहीं होने देते थे। फिर क्या हुआ, पत्नी उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई। आखिर उन्होंने गोनू झा को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो रोज रोज ये बहाने लगाते थे कि मुझे महाराज उपहार में देने वाले हैं, तुम्हें तो गाय पालना आता ही नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालने का नहीं काम है। तो ये तरह तरह के बहाने थे ताकि पत्नी शांत रहे। लेकिन जब बहुत दिन बीत गए तो एक दिन पत्नी ने कहा कि अगर तुम, उसने धमकी दी। एक तो जो गोनू झा हमेशा बहाने लगाते थे, तो एक दिन बहानों से तंग आकर उसने कहा कि अगर आप गाय नहीं लाओगे तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो अब तो गाय उनको लानी ही थी, किन्हें, गोनू झा को। तो बेचारे गोनू झा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा ना बचा। चारा ना बचना मतलब कोई अब रास्ता नहीं था। ये मुहावरा है, चारा ना बचना मतलब अब कोई रास्ता नहीं बचा था, अब उनको गाय खरीदनी ही पड़ेगी। फिर क्या हुआ, लाचार होकर वह गाय लेने चल दी। आखिरी में जब उन्होंने देखा, जब पत्नी ने धमकी दे दी कि मैं जान दे दूंगी, आप रोज का रोज आप बहाना लगाते रहते हैं, कितने दिन हो गए हैं, तो गोनू झा जो थे वे जान गए कि अब उन्हें गाय खरीदनी पड़ेगी, और वह गाय खरीदने के लिए चले गए। कुछ दिन का सफ़र तय कर वह सोनपुर के मेले में पहुँचे। तो सोनपुर बिहार में एक जगह है, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता था, अभी भी शायद लगता है, और एशिया में सबसे बड़ा पशुओं का मेला होता था। तो ये मेला जरा अलग हटके होता है, यहाँ पे अलग अलग पशु आए जाते हैं, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जानवर होते हैं वो उनकी खरीद और बिक्री होती है। तो सोनपुर के वे मेले में चले गए और उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और अपने गाँव की ओर चल दी। तो पैदल का रास्ता रहा होगा, तो कुछ दिन का सफ़र उन्हें लगा, क्योंकि उस समय सड़कें नहीं थी, लोग पैदल ही गाय भैंस को लेने जाते थे और उनको लेकर के आते थे। तो जब वे उन्होंने एक गाय भी पसंद आई, उन्होंने गाय खरीदी, और गाय काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी मोल भाव करके खरीदा था।
जैसे जैसे गुनु झा गांव के समीप पहुंच रहे थे, जब वे लेके अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, कहां से? सोनपुर के मेले से, तो उन्हें एक चिंता सताए जा रही थी कि अब सैकड़ों बार गांव के बारे में, गाय के बारे में गांव वालों को एक जैसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो उन्होंने सोचा कि बहुत परेशानी होगी मेरे को, वापस जैसे ही मैं गांव जाऊंगा हर कोई अलग अलग मिलेगा, सब एक ही बात पूछेंगे कि गांव की गाय कहां से खरीदी, कितने में खरीदी और इसकी खासियत क्या है। तो बार बार एक ही सवाल हर किसी के होंगे और मुझे सबको एक ही जैसा जवाब भी देना पड़ेगा, तो बहुत परेशानी होगी, शायद मैं एक जैसा जवाब दे दे के थक जाऊं। क्योंकि गांव में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति, हर कोई हर किसी को जानता है, अगर कोई किसी को कोई खरीद के लाता है कोई गाय या कोई भी नई चीज़, तो गांव वाले उससे सवाल पूछते हैं, कितने में खरीदी, कहाँ से खरीदी, तो ये सारे सवाल के जवाब हर व्यक्ति को देने पड़ेंगे और ये बड़ा मुश्किल काम है। तो गोनू झा ये सोच रहे थे कि जैसे जैसे इस गांव के पास जा रहे थे कि अब तो मुझसे गांव वाले जो थे ये सब सवाल पूछेंगे। तो क्या किया उनके मस्तिष्क में, तभी गोनू झा के मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना सारे गांव वालों को एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वे बारी बारी पूछने ना आए। उसकी चिंता सता रही थी गोनू झा को कि मुझे अब अलग अलग लोगों को वही जवाब देना पड़ेगा कि मैं सोनपुर के मेले में गया था, ये गाय मैंने इतने में खरीदी, ये गाय की ये खासियत है, मैं अपने पत्नी के कहने पे ये गाय लाया था, उसने जिद की थी, ऐसी ऐसी बातें मुझे बार बार हर व्यक्ति को अलग अलग बतानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी उबाऊ काम है, मुश्किल काम है, बार बार एक ही जैसा जवाब, तो क्यों ना मैं सब गांव वालों को एक ही जगह बता दूँ, तो इससे क्या होगा, समय बचे और सारे गाँव वाले तो पूछेंगे ही, तो उनको भी सही जानकारी एक साथ मिल जाएगी, तो वे भी अलग अलग या बारी बारी से नहीं पूछेंगे, नहीं तो शायद हफ्तों उसको एक ही बात बताने में लग जाते, लोग अलग अलग समय में उससे अलग अलग यही चीज़ पूछते, तो उसको बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता। तो उसने कहा कि एक ऐसा उपाय मैं सोचता हूँ कि गांव वालों को मैं सबको एक साथ बता दूँ और गाँव वाले मुझे बार बार वही सवाल ना पूछें, तो दोनों का इसमें भला है, मेरा भी और गांव वालों का भी। ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गांव ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा और लगे जोर जोर से चिल्लाने, चोर चोर। गोनू झा की आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी बल्लम हसिया जो भी हाथ लगा उठाकर इधर दौड़ पड़े, कहाँ है चोर, किधर गया, चिल्लाते हुए सबने गोनू झा को घेर लिया। गोनू झा जैसे कि किसी ने मुंह पे ताला लगा दिया हो चुपचाप खड़े थे। गांव वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है, तो उन्होंने एक उपाय सुझा। उन्होंने क्या किया, जैसे ही गांव की सीमा पे पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे गाय को बांध दिया। उसके बाद वे क्या किए, वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि चोर चोर, और गाँव वाले एक दूसरे की मदद किया करते हैं। उन्होंने सोचा कि गोनू झा को चोर ने घेर लिया है या चोरों ने पकड़ लिया है, तो गोनू झा की मदद के लिए क्या किया, उनके हाथ में जो भी लगा, लाठी, कुछ लोगों ने लाठी ले ली, बल्लम हसिया, कृषि फसल काटने के जितने भी उपकरण होते हैं, हसिया, जो जिसके हाथ में जो लगा वो तेज़ी से लेकर के गोनू झा की तरफ दौड़ा ताकि उसकी मदद की जा सके। और जब लोग गोनू झा के पास पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने देखा केवल गाय बंधी है और गोनू झा है, तीसरा तो कोई दिख नहीं रहा है, तो उन्होंने पूछा कहाँ है चोर, किधर गया, सबने गोनू झा को घेर दिया कि वो सुरक्षित हो जाएं, तो गोनू झा कुछ नहीं बोल रहे थे। जब गांव वालों ने उन्हें घेर दिया वो चुपचाप खड़े थे, जैसे कि मुँह में ताला लगा दिया गया हो, मतलब चुपचाप के लिए कहा जाता है, मुँह पे ताला लगा देना मतलब चुपचाप या बोलती बंद हो जाता, तो वे कुछ नहीं बोल रहे थे, लोगों ने घेर लिया। लोग हैरान थे कि गोनू झा तो एक समझदार और चतुर व्यक्ति हैं, वो ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं, और लोग अपना काम छोड़ करके गोनू झा की मदद के लिए आए थे, उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था, चिंता भी हो रही थी कि ये ऐसा क्यों कर सकते हैं गोनू झा।
गोनू झा जब आश्वस्त हो गए कि गांव के सभी युवक युवतियां बुजुर्ग इकट्ठा हुए हैं, तो वे चलकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने गाय को बांधा था। गोनू झा ने देख लिया कि गांव के लगभग सब लोग आ गए, चाहे कोई युवक हो, युवतियां हो, बुजुर्ग, गांव के जो बुजुर्ग तक लोग आ गए मदद करने के लिए। और गोनू झा को घेर लिया। जब उन्होंने देखा लगभग पूरा गाँव आ गया है, तो वे वापस चल के उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ उन्होंने अपनी एक जो मेले से गाय खरीदी थी उसके पास पहुँच गए। और वहाँ पहुँच कर बड़े प्यार से उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है यह जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़े आए हैं उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। उसके बाद अब लोग भी शकित थे कि क्या हो गया, गोनू झा झूठ क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई चोर नहीं दिखाई दे रहा, गाय और गोनू झा के अलावा कोई है ही नहीं। जब सारे लोग आ गए, बुजुर्ग तक आ गए कि गोनू झा की मदद की जाए, गांव में चोर कैसे आ सकता है, गोनू झा को क्या हुआ कि वे चिल्ला करके सबको बुला रहे हैं, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। तो वे वापस सभी लोगों को उसी पेड़ के पास ले गए जहाँ पे गाय थी, ताकि लोग गाय को देख सकें। और उन्होंने हाथ जोड़कर सबको, सबके लिए आभार प्रकट किया कि देखो, जब लोगों को, गांव वालों को पता चला कि मेरे ऊपर संकट आया है, तो सब मेरी मदद के लिए आ गए, तो इसीलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से ये गाय खरीद कर लाया हूँ। तो उन्होंने अब गाय के बारे में कारण बताना शुरू किया कि सब लोगों को एक साथ पता चल जाए। तो उन्होंने कहा कि ये गाय मैंने अपनी इच्छा से नहीं खरीदी है, मेरी पत्नी की इच्छा थी कि एक मैं गाय पालूं, इसलिए मैं सोनपुर गया था किस मेले से। वो हर गाय की से जुड़ी हर बात बता देना चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि लोग उनसे बार बार यह प्रश्न पूछे कि आपने किसके कहने पे गाय खरीदा, कितने में खरीदा, कहाँ से खरीदा, गाय दिखाइए, गाय कैसी है, वो सारी चीज़ें एक साथ सारे गांव वालों को बता देना चाहते थे। तो उन्होंने एक एक करके सारी बातें बतानी शुरू की कि ये गाय मैंने अपनी पत्नी की इच्छा के लिए से खरीदी थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैं इसे सोनपुर के मेले से लाया हूँ और इसके लिए मुझे दरबार से कितने दिन अनुपस्थित भी रहना पड़ा था। तो इसे खरीदने में बहुत दिन उसे अनुपस्थित रहना पड़ा क्योंकि उसे सोनपुर के मेले में जाना था, पैदल कुछ दिन लगे जाने और आने में। तो ये छोटी छोटी जो बातें थी वे तक गोनू झा गाँव वालों को बताने लगे। गाँव वाले ठगे से खड़े गोनू झा की बातें सुन रहे थे, तो गाँव वालों ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। क्यों? कि उनके साथ धोखा हुआ है। कारण क्या था? एक तो उन्हें चोर चोर करके बुलाया गया, लेकिन गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित थे क्योंकि गोनू झा बड़े विनम्रता से उनके सामने हाथ जोड़ करके अपने गाय के बारे में बता रहे थे। लोगों का आभार भी प्रकट किया, सबसे पहले कि आप जो दौड़ के आए हो, आप सचमुच मेरे को चाहते हो, आपने जब आपको पता चला कि मैं संकट में हूँ तो आपने मेरी रक्षा का भी प्रयास किया। फिर क्या है, फिर आगे गोनू झा आगे बोलना जारी रखते हैं, मैं जानता हूँ कि आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ पूछने की उत्सुकता होगी, इसके लिए मैं आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते, जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते वह अगले दिन आकर पूछते, फिर भी अगर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते में रोक कर पूछते, कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है ना भाइयों। तो उन्होंने कारण बताया कि मैं सबको क्यों यहाँ पे इकट्ठा किया है मैंने, क्योंकि आज मैं गाय लाया हूँ तो लोग मेरे घर आते, पूछते गाय के बारे में, मुझे बताना पड़ता, हो सकता है कुछ बातें वो एक साथ ना पूछ पाते तो अगले दिन फिर पूछते। उसके बाद में हर कोई, कभी मैं गाँव में गुजर रहा होता, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता, मुझे रास्ते में भी रोका जाता कि भाई ये बात तो मैं आपसे पूछना भूल गया था। तो एक व्यक्ति अगर मुझे तीन चार बार टोकेगा, तीन चार बार रोकेगा, तो बहुत समय बर्बाद होगा और गांव में इतने सारे लोग हैं, तो इसमें दोनों का समय खराब होगा, किसका, एक तो मेरा
एक जैसे ही प्रश्न होंगे, मुझे हर को अलग अलग बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि मैंने सबको बुला लिया और मैं सबको एक साथ गाय के बारे में सारी बातें बता सकूं। तो इससे क्या फ़ायदा है, हम दोनों का समय बचेगा, किसका, गोनू झा का भी और गांव वालों का भी, और लोगों को गाय के बारे में सब कुछ पता भी चल जाएगा। गोनू ने गर्दन घुमाकर गांव वालों की ओर नज़र डाली, सब मुंह फाड़े गोनू झा की बात सुन रहे थे। तो जब गोनू झा ने गांव वालों को देखा, सब लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे कि भाई गोनू झा क्या बोलने वाला है, क्यों बुला लिया। अब बड़े जोर से हाथ जोड़ के बता रहा है कि धन्यवाद भी दे रहा है। अब न उनसे कुछ बोलते बन रहा था, न वापस जाते बन रहा था, क्योंकि गोनू झा ने सच्ची ही तो बात बोली थी कि भाई आप लोग मुझे घर में आके तंग करते, 10 बार मुझे एक ही जैसे सवाल के जवाब देने पड़ते। और सबसे पहला काम गोनू झा ने उनसे माफ़ी भी मांग ली थी, आभार भी प्रकट किया था कि इस तरह से कि उनके बुरा ना लगे। क्या कहा कि मैं आप सबका आभार मानता हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को पता चला कि मैं संकट में हूँ तो आप दौड़े दौड़े मेरे पास चले आए, मतलब आप मुझे बहुत प्यार करते हो और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो न गांव वाले गोनू झा को कुछ बोल पा रहे थे, क्योंकि गोनू झा बड़ा चतुर था, उसने बड़े प्यार से गांव वालों को बता भी दिया, उनके सामने हाथ जोड़ के एक तरह से बता दिया कि आप सचमुच आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और सब बेचारे गोनू झा की ये बातें सुन रहे थे, क्योंकि वे न उसको डांट सकते थे न अब जगह छोड़ के जा सकते थे, क्योंकि वो सब आ चुके थे गांव से अपना काम छोड़ के, और अब गाय के बारे में बता ही रहा था तो सुन लिया जाए। गोनू झा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मेरी गाय काली है, तो छोटी छोटी बातें गाय के बारे में देखो क्या बताते हैं, रंग। अब भाई रंग बताने की चीज़ नहीं होती, सबको दिख जाते हैं कि काली गाय है, फिर भी वो गाय का हर जो गुण है बता रहे थे। और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती यह नहीं है। मैंने अपने पूरे 1 माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राओं देकर इसे खरीदा है। तो बताया कि ये काफ़ी महंगी गाय है, रंग तो काला है लेकिन ये सस्ती नहीं, मुझे खरीदने में 3 स्वर्ण मुद्राएं लगी हैं जो कि मेरा 1 महीने का वेतन होता है। ये वेतन कौन देता था, मिथिला नरेश। काफ़ी महंगी गाय है, एकदम हष्टपुष्ट। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी महंगी है, कोई इसे रंग पे ना जाए कि काली रंग की है तो शायद सस्ती होगी, स्वभाव में बड़ी ही सीधी है। अब गाय के स्वभाव के बारे में बता रहे थे कि गाय सीधी मतलब जो ना मारे। कुछ गाय होती हैं वो अपने पास किसी को आने नहीं देती हैं, सींग मार देती हैं। तो उन्होंने बताना शुरू किया, स्वभाव से बहुत सीधी है, जैसा भी और जितना चारा दो चुपचाप खा लेती है। ये बहुत शांत गाय है, इसको जितना भी चारा दो कैसा भी दो खा लेती है। हाँ, दूध 5 शेर एक दिन में देती है, 1 दिन में 5 शेर दूध देती है। ये दूध नापने का एक तरीका होता है, पहले दूध को शेर में ही नापा जाता था वजन के अनुसार। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूध सकता है, जरा भी मरखनी नहीं इसको, मतलब बच्चे भी इसका दूध निकाल सकते हैं क्योंकि ये किसी को मारती नहीं। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं, मात्र 4 दांतों वाली पहिलौठी गाय है। पहिलौठी का अर्थ होता है पहला इसका बच्चा है, और इसके दांत भी काफ़ी कम है, मतलब ये अभी जवान है, अभी ये बूढ़ी गाय नहीं मैंने खरीदी है। तो ये था गाय के बारे में गोनू झा का बखान। तो उन्होंने सबकी छोटी से छोटी बात कि गाय किसी को मारती नहीं है, इसका कोई भी बच्चा भी दूध निकाल सकता है, रंग काला है और 3 स्वर्ण मुद्राएं मैंने दे करके खरीदा है, तो ये बहुत काफ़ी महंगी और अच्छी गाय है। तो ये बात गांव वालों को बिना पूछे ही गोनू झा ने बता दी। तो ये था आज का, मैं आपको गृह कार्य दे देता हूँ, आप इसका पठन अभ्यास करेंगे। अभी ये पाठ हमारा पूरा नहीं हुआ है, कल हम इसको जारी रखेंगे। आपको एक बार पठन अभ्यास आज करके आना है।
तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।